गाइस मोस्टली आपको और मुझे कार और बाइक को परचेज करने का एक्सपीरियंस तो मिला ही हुआ है, लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ट्रक को कैसे परचेज किया जाता है? और नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज हम किसी कार के डीलरशिप में नहीं आए हैं, आज हम आए हैं ट्रक के डीलरशिप में ये देखने की आखिर ट्रक को परचेज कैसे किया जाता है। हम आए आज अशोक ऑटो वेंचर LLP में, जो कि गाजियाबाद में है और ये इस रीजन का सबसे बड़ा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का ऑथराइज्ड डीलरशिप है। तो चलते हैं क्विकली अंदर और सेल्स एडवाइजर से बात करते हैं और देखते हैं कि ट्रक को परचेज कैसे किया जाता है। और शोरूम के अंदर एंटर करते ही मैंने सबसे पहले देखा टाटा सिग्ना 5530 ट्रक, जो कि सिग्ना की मोस्ट सेलिंग ट्रक्स में से एक है और मेरा फेवरेट ट्रक भी है। इसके बारे में डिटेल में वॉक अराउंड ऑलरेडी हमने काफी बार कवर किया है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, कैसे हम इसका फाइनेंस कर सकते हैं। तो चलते हैं रिसेप्शन में और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या असिस्टेंस मिलता है। तो मैम आपका नाम क्या है? मॉर्निंग सर, आई एम भारती। तो भारती मैम ये बताइए कि मैं इस ट्रक को परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि टाटा का जो सिग्ना 5530 ट्रक है उसे परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे कैसे हैंडल करेंगे? सर आपसे पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट चाहिए, हम आप लोगों को दिखा देंगे, अदरवाइज आपको DSC से मिलवा देंगे इस गाड़ी की। तो अभी आप DSC से मिलवा सकते हैं मुझे, मुझे ये परचेज करना है जैसे ट्रक, तो मिला सकते हैं? तो प्लीज बुला दीजिए उन्हें एक बार। जी सर बुला देती हूँ, एक मिनट वेट कर लीजिए। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। भारती मैम इतने DSC को बुला रही हैं और हम देखते हैं फिर कि टाटा के सिग्ना 5530 ट्रक में क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो शोरूम से निकल के अब आ चुके हैं बाहर और पुष्पेंद्र सर हमें 5530 लाइव दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सर चले एक बार देखने। चलिए सर। ये वाला यहाँ पे आपके पास काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। देखिए सर यहाँ अलग अलग सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं हमारे पास। अच्छा। 5530 है, 2818 है, हाईवाज है, आपके 709, 911, मतलब जो अलग अलग सेगमेंट है, SCV, ILCV, SCV एंड कंस्ट्रक्शन, सभी तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अब जैसे 5530 हम अंदर AC देख रहे थे, यहाँ पे नॉन AC खड़ा है। अच्छा ये वाला नॉन AC, ये नॉन AC है, इनके प्राइस में करीब तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहता है। कुछ लोग AC पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉन AC पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से दोनों वेरिएंट हमारे पास हैं। पीछे देखिए आप, हमारा सर्विस एरिया है जहाँ पे गाड़ियों की सभी की सर्विस होती है। अच्छा, अच्छा। और यहाँ ये पीछे अपना डिलीवरी एरिया है जहाँ से हम गाड़ी डिलीवर करते हैं। गाइस क्या होता है ना कि जब ट्रक को परचेज करते हैं तो क्या शोरूम में इतना स्पेस नहीं होता है कि शोरूम में सभी व्हीकल्स को खड़ा कर पाए? और अब फाइनेंस ऑप्शन की बात करते हैं सर, फाइनेंस ऑप्शन के बारे में। देखिए सर एक पूरा प्रोसेस होता है ट्रक लेने के लिए। तब आप ट्रक लेने आते हैं तो दो तरह के कस्टमर आते हैं हमारे पास, एक तो पहले से ही फ्लीट ओनर होता है, इसके बाद गाड़ियां होती हैं, तो मोस्टली सारी चीजों का पता होता है। एक बिल्कुल नया कस्टमर होता है जिसे पता नहीं होता कि मुझे गाड़ी तो खरीदनी है पर कौन सी खरीदनी है, तो उसे हम सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या किस एप्लीकेशन में आप गाड़ी चलाओगे, कहाँ चलाओगे, क्या आपका वर्क है, क्या आपके पास पैसों का है, उसके हिसाब से हम सारा उसे। तो सर ये समझिए कि मैं एक न्यू कस्टमर हूँ और आपको मुझे गाइड करना है कि कौन सा ट्रक बढ़िया रहेगा, तो आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। आप हंसा जी बताइए, आप गाड़ी चलानी किस एप्लीकेशन में? सर मैंने जैसे बताया कि डंपिंग के पर्पस से, अगर डंपिंग यानी कि आपको रोड डस्ट जो है वो ढोने। जी जी जी। हाँ तो सर उसके लिए 5530 बेस्ट है। 5530 बेस्ट है। हाँ। और क्या क्या सर फाइनेंस ऑप्शन क्या क्या रहेंगे इसके? सर फाइनेंस ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले से फ्लीट ओनर हो या FTU कस्टमर हो, उस हिसाब से आपको फाइनेंस हो जाता है। सपोज करो आप 2 से 3 गाड़ी वाले कस्टमर हो और आपका ट्रैक चल रहा है किसी बैंक से, तो आपकी 100% तक फंडिंग हो जाती है, जिसमें आपके बैंक HDFC है, एक्सिस बैंक है, आपका इंडसइंड बैंक है, यस बैंक है चोलामंडलम में, और काफ़ी NBFC कंपनियां हैं जो आपको फाइनेंस करती हैं। जी अच्छा सर मुझे कॉस्ट इसकी ऑन रोड अगर मैं पूछूं तो ऑन रोड कितनी पड़ेगी मुझे? ऑन रोड सपोज करो ये मैं मानता हूँ 34,50,000 रुपये का यदि ट्रक है तो इस पे 1% आपका TCS आ जाता है जो 34,500 हो गया, करीब 17,400 आपके TRC का आ जाता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, 1100 रुपये की नंबर प्लेट होगी। इस तरह से करते करते करीब समथिंग 35 लाख पहुंच जाएगा। रही बात पासिंग की, पासिंग आप फरीदाबाद हरियाणा कहाँ करा रहे हैं वहाँ के रजिस्ट्रेशन चार्जेज के ऊपर है, लेकिन एक नॉर्मली जो चार्ज आता है लेकिन 50,000 से 17,000 रुपये के बीच आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। देखिए ये घोड़ा ये खाली घोड़ा है, हॉर्स बोलते हैं इसे, ये 6 टायर में 4x2। अब इसके पीछे एक चीज और लगती है ट्रेलर। हाँ जी। और ट्रेलर आपको बनवाना पड़ता है वेंडर से। जी जी जी। अब सपोज करो आप 2 तरह के ट्रेलर आते हैं, एक साइड वॉल ट्रेलर होता है, एक जैक वाला होता है। जी। तो जोन सा आप बनवाना चाहेंगे उस हिसाब से वेंडर आपको कॉस्ट बता देगा। सर जैसे डंपिंग के हिसाब से अगर मैं डंपिंग के हिसाब से आप करवाते तो जैक वाला ट्रेलर लगता है। अच्छा, जी तो सर उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? कॉस्ट ये मान के चलो आप 3 ईयर सस्पेंशन के साथ ले तो करीब 16 लाख से 17-18 लाख तक बढ़िया बन जाता है बेस्ट।
तो गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं डिलीवरी एरिया में और पुष्पेंद्र सर हमें बताएंगे डिलीवरी एरिया के बारे में। सर बताइए जैसे इसकी डिलीवरी हो रही शायद है। देखिए हंसा जी, हमारा डिलीवरी एरिया है। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जब गाड़ी बिल हो जाती है तो उसके बाद कस्टमर का डिलीवरी का नंबर आता है जी, जी। तो यहाँ इस डिलीवरी एरिया में हम गाड़ी डिलीवर करते हैं। आइए चलते हैं थोड़ा ट्रक को देखते हैं। अब जैसे कि इसी ट्रक की डिलीवरी हो रही है जी, जी। तो अब हमारा बंदा आएगा जो डिलीवरी करता है जी। वो कस्टमर को बाकायदा पेपर देगा, उसे समझाएगा इसके बारे में, गाड़ियों के जो फीचर्स होंगे जी। और एक बड़ी सी चाबी देगा जी, जी, और डिलीवरी करने के लिए वो सब फॉर्मेलिटीज होंगे। उसके बाद कस्टमर यहाँ से गाड़ी लेके जाएगा। सर बिलिंग के बारे में लास्ट बता दीजिए। देखिए बिलिंग के लिए ना, ये हमारा डिपार्टमेंट सेल्स का है तो ऐसी एक बिलिंग डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, अच्छा। जब कस्टमर के हमारे पास ड्यू आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम एक फाइल बना के बिलिंग डिपार्टमेंट को देते हैं और बिलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बिलिंग के राहुल जी बताएंगे आपको। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आपको बिलिंग डिपार्टमेंट के लिए मुझे अंदर चलना पड़ेगा। आइए चलते। ठीक है सर, चलते हैं अंदर। तो गाइस हम आ गए बिलिंग डिपार्टमेंट में और यहाँ पे हम मिलते हैं राहुल सर से। तो राहुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सर पुष्पेंद्र सर ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो बिलिंग डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बिलिंग डिपार्टमेंट में आपके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी के अंदर, जैसे कंपनी के अंदर कस्टमर का प्रोसेस होता है, लोन वगैरह होने के बाद गाड़ी कस्टमर सेलेक्ट करता है, उसका फाइनेंस वगैरह हो जाता है, प्रोसेस होता है पूरा। हमारे यहाँ पे बिलिंग पे आती है फाइल, सेल्स पर्सन होते हैं या हमारा बैक ऑफिस है, अगर सेल्स पर्सन नहीं है तो बैक ऑफिस उनके हेल्प के लिए होता है, तो कस्टमर की हेल्प भी बैक ऑफिस के यहाँ पे लोग करते हैं। उसके बाद बिलिंग का जो प्रोसेस पूरा होता है, बिलिंग के लिए फाइल आ जाती है, कस्टमर के पेमेंट वगैरह जो होती है, रिसिप्ट वगैरह सारी यहाँ पे हमारी जमा हो जाती है। बिलिंग होने के बाद उसका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होने के बाद उसके जो गेट पास होते हैं, ईवी बिल होता है गाड़ी का, इनवॉइस होती है, वो सारा पेपर बना के हम कस्टमर को दे देते हैं। उसके बाद ये आरटीओ डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, आरटीओ अगर गाड़ी और दूसरा अगर कस्टमर के गाड़ी लेने के जाता है हमारे यहाँ से, तो गाड़ी लेने के बाद हमारे यहाँ पे टीम है, पीडीआई की टीम होती है पूरा प्रॉपर। हम पहले क्या करते हैं, गाड़ी अगर कस्टमर का आज लेके जाएगा तो एक दिन पहले ही हम उसका प्लान कर लेते हैं कि कस्टमर गाड़ी ले तो उसकी गाड़ी तैयार करवा लेते हैं हम पूरी तरीके से, उसका पूरा पीडीआई करा लेते हैं, तब उसके दिन अगले दिन हम उस गाड़ी को डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली गाइस आप यहाँ पे आके राहुल सर से बात कर सकते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे अगर आपको कोई भी कमर्शियल व्हीकल परचेज करना होगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।